हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद से। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 143 का भाई पहला पार्ट, तो देखते हैं भाई। तो क्योंकि पिछले बार में जैसा अब एक और भाई फैसला किया गया था कि भाई हनुमान जी के लिए उनके पीछे जाना ज़रूरी है, तो अब भाई भेजा गया है अंगद, नल और नील को। तो देखते हैं आगे वीडियो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपका रण भूमि में सेना के साथ रहना अति आवश्यक। तो फिर हनुमान की सहायता के लिए कौन जाए? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं, युवराज अंगद, नल और नील जाएंगे। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी है पीछे पीछे। प्रभु, प्रभु, मुझे कुछ तो संकेत दीजिए। लक्ष्मण भैया, हनुमान, हनुमान, हनुमान जी पीछे पीछे। हनुमान जी, वृक्ष, पेड़ पौधों, मुझे बताने की कृपा करो। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? मुझे बताइए, क्या मैं उन्हें सही दिशा में ढूंढ रहा हूं? हमारी महारानी चंद्रसेना कहाँ? वो अपने कक्ष में आराम कर रही है महाराज। ठीक, कि हम पृथ्वी लोग से आए हैं, तो आप हमारे बारे में सोचते सोचते सो गई होंगी, इसलिए हमें आप पर प्यार आ गया। और हमने तो केवल दूर रखिए अपने कलंकी धात हमसे। एक दूषित आत्मा का साया भी नहीं पड़ने देंगे हम अपने शरीर पर। तुम हमारी पत्नी हो चंद्रसेना, हमारी पत्नी, और इस पाताल लोक की महारानी। ना ही हम आपको अपना पति मानते हैं और ना ही इस पाताल की महारानी। तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। किसी को बलपूर्वक उठा ले आना और विवश करके विवाह रचा लेना, वो प्रेम नहीं होता महाराज। अही आप क्या प्रेम समझेंगे? घृणा, तिरस्कार, अन्याय जिसके आदर्श हो, असभ्यता, निर्दयता जिसके कीर्ति स्तंभ हो, और विवशता का उपहास उड़ाना जिसका आचरण हो, वो प्रेम की परिभाषा क्या समझेगा? इस सभ्य समाज में आपका कोई स्थान नहीं है। आप एक वन पशु हैं और वन में ही रहिए, क्योंकि वहां हर चीज प्यार से नहीं बलपूर्वक प्राप्त की जाती है। तो हम वन पशु हैं और हर चीज बल के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो ठीक है, तुम हमें वन पशु ही समझो नाग कन्या। अब हम तुम्हें बल प्रभुत्व प्राप्त करके दिखाएंगे। दूर रहिए, सावधान। आज हम आपके बारे में अज्ञान नहीं है,
और न ही निहत थे कि आप हमें नागलोक से उठा ले जाएंगे। आज हमारा आत्मबल हमारे साथ है और हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। चंद्रसेना, हम अमर हैं, अजय हैं। हमारा वध कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। दशानंद अपने शत्रु का स्मरण उसके मरण के लिए ही करता है। परंतु आप ही ने राम को लोप करवा दिया है। लंका की निर्जीव दीवारें भी कानाफूसी कर रही हैं कि आपने, लंकेश आप ही ने अहिरावण और महिरावण द्वारा राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक में भेज दिया है। मान गया महारानी, मान गया। मुझे तो इन निर्जीव दीवारों की बातें सुनाई नहीं देती। मेरी बातें सभी सुन लेते हैं पर मैं किसी की बातें नहीं सुनता। तो इस समय आप सूर्य को कुछ सुना रहे थे या फिर सूर्य से कुछ सुन रहे थे? नहीं महारानी, वो देखिए, राम का कुल देवता सूर्यदेव जानती है, राम लक्ष्मण के भाग जाने से बहुत दुखी हुआ है और अपना दुखी चेहरा लेकर शीघ्र अति शीघ्र डूब जाना चाहता है। वही काम हुआ। और मैं तो उसको अस्त होते हुए देखने के लिए खड़ा हूं। मुझे तो मन ही मन ऐसा लग रहा है कि आज आप सूर्यास्त शीघ्र अतिशीघ्र चाहते हैं। माता त्रिजटा, कहीं रघुनंदन और सुमित्रा नंदन के अदृश्य होने का और सूर्यास्त का एक दूसरे से कोई संबंध तो नहीं है? जो दुष्ट रावण अधीर होकर सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा मन चिंतित हो रहा है माता, अवश्य कुटिल रावण ने कोई कुटिल चाल चली है। पता लगाइए माता, दुष्ट रावण शीघ्र सूर्यास्त क्यों चाहता है, पता लगाइए ना माता। अवश्य पुत्री, अवश्य। कुछ तो रीजन है, हनुमान जी भी पीछे पीछे। आग का समुद्र, अब मैं आगे कैसे जाऊं? माता त्रिजटा, कुछ समाचार प्राप्त हुआ? बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर देखा जाए
हाँ त्रिजटा अब भाई काफ़ी परेशान हो गया है, लेकिन उससे भाई आप पहले देखा जाए तो भाई हनुमान जी बिल्कुल खोज में हैं और उनके पीछे नल नील और अंगद और साथ भाई जामवत जी वो भी भाई निकल गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो इस चीज़ की है कि हनुमान जी कोई वापस नहीं आ रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, इन चीज़ों को लेकर भाई सारे परेशान थे तो इसीलिए वो पीछे चले गए। लेकिन उसके बाद इधर देखा जाए तो वो भाई अपना इधर ले आए हैं राम जी को और लक्ष्मण जी को, तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की परेशानी है कि वो यहाँ पर पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं भाई। सही बात है, अब चिंता काफ़ी बनी हुई है क्योंकि अब कोई दिशा नहीं मिल रही जहाँ पर मतलब कि लक्ष्मण जी और राम जी को लेकर गए, हनुमान जी हैं तो भाई उनके पीछे, लेकिन एक सही जो होता है ना डायरेक्शन वो अभी हनुमान जी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि एक गलत डायरेक्शन में खोज कर रहा हूँ, क्योंकि अब कोई पता नहीं है कि वो किधर मतलब के दोनों मूर्ख लेकर गए राम जी और लक्ष्मण जी को। लेकिन बात करें ना इधर भाई एक महाराज सुग्रीव की और एक मतलब के सेना की, तो वो काफ़ी एक मतलब के परेशानी में रहेंगे क्योंकि अब ना तो राम जी है ना लक्ष्मण जी हैं, अब काफ़ी एक जो चीज़ होती है ना एक मुश्किल लीड करना उनको, क्योंकि एक मतलब के उनका एक काफ़ी एक आसरा बना हुआ था राम जी और लक्ष्मण जी का, उनके मतलब के वो थे तो कोई एक मतलब के एक जरूरत नहीं कर सकता था अटैक करने की, लेकिन अब उनके अंदर एक नए से नए तरीके आएंगे। सही बात है, हनुमान जी जो है ना वो मतलब पीछे लगे हुए हैं इस चीज़ के, लेकिन ये कि असल में मार्क कोई नहीं मिल रहा, मार्क यहाँ पे मिलना बहुत हनुमान जी भाई लगे हुए हैं इस चीज़ के पीछे कि कहीं ना कहीं कोई मार्क मिल जाए, लेकिन ये कि अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और एंड पे देख लें सामने उनके भाई एक आग का समंदर सामने आ गया और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, हालांकि उड़ने को तो वो उड़ सकते हैं लेकिन यह कि आगे मे भी। बिल्कुल भाई, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई फिर भी वो सूरज की तरफ देख रहा है भाई जो रावण है, वो मूर्ख जो है इसी चीज़ के ऊपर, वो उस पर जब भी भाई कैमरा जाता है वो हंसते ही रहता है, उसके भाई अब हंसने पर भी गुस्सा ही आता है यार। सही बात है, देखनी तो है भाई रावण की भी पावर, क्योंकि उसने हमारा भाई ना एक सर दर्द करने लगा है, पहली किस्त सुनते हैं मैं इतना मतलब के शक्तिशाली पता नहीं क्या है भाई, ये चीज़ें उसके अंदर काफ़ी। उसने सही कही है कि आप लोगों को दीवार मतलब बातें सुन जाती हैं, मुझे नहीं सुनती मेरी बात। हाँ सही बात है, इधर उधर वो लेकर निकल जाता है। लेकिन भाई आपने पहली दफ़ा देखा है कि भाई वो समुंदर जो है ना वो आग का है, क्योंकि भाई आग ही आग है आगे, क्योंकि हनुमान जी के आगे काफ़ी बड़े चैलेंज आ रहे हैं भाई, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर वो कैसे आगे जाएंगे या क्या स्टेप लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।